हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चॉकलेट सिरप की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी और ये बस तीन ही इंग्रेडिएंट से बन जाता है, वो भी बहुत ही जल्दी। सबसे पहले मैं एक कप कोको पाउडर लूंगी, आप किसी भी ब्रांड का कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर 2 चम्मच शुगर ऐड करूँगी, आप अपने स्वाद के हिसाब से शुगर को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉर्नफ्लावर, मैं यहाँ पर 1.5 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके मिल्क ऐड करूँगी, मैं यहाँ पर 2 कप मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप इसके कंसिस्टेंसी के हिसाब से मिल्क को ऐड कर सकते हैं। मिल्क को धीरे धीरे ऐड करने के बाद मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी, इसे आप धीरे धीरे कुक करना है। इसको आप 3 से 4 मिनट तक कुक करें लो फ्लेम में। उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी जब थोड़ी सी थिक हो जाएगी तब आपको गैस को बंद कर देना है। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी बटर भी ऐड करूंगी, आप इस पे 1 टीस्पून ऑफ बटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ा सा बटर भी डालूंगी। बटर ऐड करने से चॉकलेट सिरप में एक अलग सी साइन आएगी जो बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में। अब इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद चॉकलेट सिरप आप बस रेडी है। आप इसे आइसक्रीम के साथ या फिर केक के साथ किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही इजी है, वो भी बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। आप भी अपने घर में ऐसे ही चॉकलेट सिरप बना सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो में लाइक शेयर ज़रूर करें। उसी के साथ आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले ऐसे ही रेसिपीज़ को आप ज़रूर देख पाएँ। थैंक यू।